हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बींग डॉक्टर और मेरा नाम है मोशन मीना। तो दोस्तों, आज की वीडियो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ आयुर्वेद त्रिदोष विथ चार्ट रिप्रेजेंटेशन। जो आयुर्वेद की त्रिदोष है वात पित्त कफ, उनको आज अपन चार्ट रिप्रेजेंटेशन से समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला जो मैंने लिया है वो है एलिमेंट्स। जो वात के अंदर जो एलिमेंट्स है वो है आकाश मीन्स ईथर प्लस वायु मीन्स विंड, और जो पित्ता के अंदर है वो है अग्नि मीन्स फायर, और कफ के अंदर है जल और पृथ्वी। जल से तो हो गया वाटर और पृथ्वी से हो गया अर्थ। फिर जो सेकंड पॉइंट है वो है प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ कौन सी? फिजिकल वाली प्रॉपर्टीज़। फिजिकल तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो प्रॉपर्टीज़ फिजिकल कौन कौन सी है? जो आकाश और वायु में होगी वही प्रॉपर्टीज़ होगी यहाँ पर। तो आकाश और वायु लाइट है, रफ है, मोबिलिटी है और माइन्यूट है, कोल्ड है और ट्रांसपेरेंट है। फिर जो पित्त की जो प्रॉपर्टीज है फिजिकल, अग्नि हॉट होती है तो हॉट है, शार्प है, ऑयली और फ्लूइड है। फिर उसके बाद में जल और पृथ्वी, इनकी जो प्रॉपर्टीज होगी वही फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी यहाँ पे। हैवी, ऑयली, स्मूथ, कोल्ड और स्टेबल। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की, मेंटल प्रॉपर्टीज़ की। फिर जो मेंटल प्रॉपर्टीज़ है वो वात दोषी वो है रज गुण। फिर जो पित्त का है वो सत्व गुण, और जो कफ का है वो तमस गुण। फिर अपन बात करते हैं एक्शंस की। जो एक्शंस है वो भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो यहाँ पे जो ऑल वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं बॉडी में वो सारे वात दोष के कारण होते हैं। और जो पित्त दोष के अंदर जो एक्शंस हैं वो है डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म। फिर अपन बात करते हैं कफ दोष की। जो कफ दोष है वो है क्रिएशन, मतलब बनाने का काम करता है, जैसे कि मसल्स टिश्यूज वगैरह, तो ये बनाने का काम करता है। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, स्टेमिना प्रोवाइड करता है और इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। फिर अपन प्लेस देख लेते हैं। जो वात दोष की प्लेस है वो है बिलो एम्बिलिकस। एम्बिलिकस का मतलब होता है नाभि के नीचे। फिर पित्त दोष का जो प्लेस है वो है बिटवीन नाभि और चेस्ट के बीच में, मतलब नाभि और चेस्ट के बीच में। फिर कफ दोष का जो प्लेस है वो है अबो चेस्ट। फिर अपन बात करते हैं टाइम की। जो वात दोष का टाइम है वो है 2 to 6 AM और 2 to 6 PM। फिर उसके बाद में पित्त दोष का जो टाइम है वो है 10 to 2 AM और 10 to 2 PM। फिर उसके बाद में जो कफ दोष का जो टाइम है वो है 6 to 10 AM और 6 to 10 PM। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं एज की। जो एज होता है, जो वात की जो डोमिनेंसी होती है वो होती है ओल्ड एज के अंदर ज़्यादा। जो पित्त दोष की जो डोमिनेंसी होती है वो है मिडल एज में ज़्यादा, और जो कफ दोष की जो डोमिनेंसी होती है वो है चाइल्डहुड में ज़्यादा। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं डिसीज़ की। जो वात दोष के कारण होती है, जो डिजीज़ है वो 80 टाइप्स की होती है वात दोष के कारण, पित्त दोष के कारण 40 टाइप्स की और कफ दोष के कारण 20 टाइप्स की। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं मैंने, जैसे कि बॉडी पेन, पार्शियल लॉस ऑफ विजन, पैरालिसिस, जॉइंट पेन, स्टिफनेस इन बैक, हार्ट ब्लॉक, रिजिडिटी इन द बॉडी। और जो पित्त दोष के कारण वो 40 टाइप्स ऑफ डिजीज है, जिनके कुछ एग्जाम्पल हैं हार्ट स्ट्रोक, बर्निंग सेंसेशन इन द बॉडी, डीजनरेशन ऑफ द मसल्स टिश्यू, ब्लीडिंग फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बॉडी या कंजेवाइटिस। जो कफ दोष के कारण जो डिजीज होती है वो है 20 टाइप्स की, जैसे कि लॉट ऑफ मसल्स एक्सक्रीशन, फेलिंग ऑफ हैवीनेस, टायर्डनेस, ओबिसिटी मतलब मोटापा, एक्सीशन, वेट गेन, जो मतलब वेट गेन वगैरह। यहाँ पे तो आदमी बहुत ज़्यादा मोटा होगा और यहाँ पे आदमी बहुत ज़्यादा पतला होगा, आपको ये याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो हमारी त्रिदोष को लेकर चार्ट रिप्रेजेंटेशन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए।